गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू माय चैनल बाबूजी। वंस अगेन आज हम दिखाएंगे आपको एक खास चीज़ जो हमने खरीदे है। इसका भी परचेज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यह है एक राउटर, ठीक है। बहुत दिनों बाद हमने एक राउटर ख़रीदने की फैसला किया क्योंकि अमेजन में ये लाइटनिंग डील में बिक रहा था, ठीक है। इसका MRP है आपका करीबन 2500, लेकिन हमको ये मिला है सिर्फ 2000 में। और काफ़ी भारी रकम की रेटिंग भी है इसका, सभी 4+ है। तो इसी हिसाब से हम खरीदे हैं ये डीपी लिंक का राउटर, जो ये अनबॉक्सिंग करेंगे। तो आइए देखते हैं, ये है राउटर, ठीक है, डीपी लिंक का AC1350 WiFi राउटर, डुअल वेंट MU-MIMO के साथ। अच्छा, C60 मॉडल है इसका। इसका थ्रूपुट है 867 Mbps 5 GHz बैंडविथ में और 450 Mbps 2.4 GHz बैंडविथ में। 5 एंटेनास इसमें, एक्सटर्नल एंटेना आपको दिख ही रहा होगा, 5 एंटेना है, ठीक है। एक्सेस पॉइंट मोड भी है और बीम फॉर्मिंग भी है, मतलब जो डिरेक्शनल बीम पैदा मैंने जनरेट करता है ताकि बेटर कवरेज मिले, ठीक है। तो दोस्तों ये नंबर 1 अवार्ड भी मिला है इसको। ये मिला है वर्ल्ड्स नंबर 1 वाईफाई प्रोडक्ट फॉर कॉन्जिक्यूटिव 9 ईयर्स, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या है। इजी सेटअप एंड यूज़, ये मोबाइल के ज़रिए भी आप सेटअप कर सकते हैं अगर चाहे तो, ठीक है। और पीछे इसका दिया गया है, राउटर का पीछे वाला कनेक्शन कैसा है, नीला वाला जो है ब्रॉडबैंड का है और ये चारों लैन का है। और ये पावर ऑन का बटन है, ये पावर एडाप्टर की जैक है और ये WPS का बटन है और ये रीसेट करने के लिए जो छेद होता है वो छेद है, ठीक है। ये बीम फॉर्मिंग कवर इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, डिरेक्शनल एंटीना के जरिए बीम फॉर्मिंग कैसे किया जाता है इंटरनली, ठीक है। बिहाइंड द सीन्स लोकेशन डिटेक्ट करता है और उस तरफ कॉन्सेंट्रेट करता है बीम को। तो दोस्तों हम अभी ये अनबॉक्स करेंगे, उससे पहले एक बार ये भी देख लेंगे नीचे क्या लिखा है। ये आपके जानकारी के लिए बता दें, वर्शन 3 वाला राउटर है इसका। वर्शन 1, 2, 3 तीनों आता है। अभी कोरोना के माहौल में हमने सोचा कि घर में अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, उसी हिसाब से हम बहुत देर लगा दिए तय करने में कौन सा राउटर खरीदना मुनासिब होगा, बजट फ्रेंडली भी होगा और काम का भी होगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं। हाँ तो दोस्तों इसको हम अभी खोलेंगे, सील किया हुआ है शायद। इस तरफ से ही खुलता है इसका, जैसा मैंने कहा डिस्क्रिप्शन में आपका ये परचेस लिंक अमेज़न का मिल जाएगा। तो दोस्तों ये है इसमें और कुछ नहीं है। ये भी देखते हैं इसमें क्या क्या है। ये है क्विक इंस्टॉलेशन गाइड जो राउटर के साथ आता है, ठीक है। ये क्या क्या करना है और कैसे करना है ये इसमें लिखा है। अनप्लग योर मॉडेम, रिमूव द बैकअप बैटरी इफ इट हैज वन। Step 2 इज कनेक्ट द पावर्ड ऑफ मॉडेम टू द राउटर्स इंटरनेट पोर्ट विद एन इंटरनेट केबल। अगर आपके पास केबल मॉडेम है तो ये एप्लीकेबल है। पावर ऑन द मॉडेम एंड देन वेट अबाउट 2 मिनट्स फॉर इट टू रीस्टार्ट, ठीक है। और ये राउटर का डायग्राम भी दिया गया है यहाँ पे। पावर अडेप्टर राउटर में डालना है, आखिर में ऑन करना है और फॉलोइंग LED भी देखना है कनेक्शन ठीक है कि नहीं। ये LED की डिस्क्रिप्शन है, 2.4 GHz 5 GHz और इंटरनेट का। हाँ तो दोस्तों अभी इसको अनबॉक्सिंग करने का तो
चल ही रहा है जैसे आप देख रहे हैं। ये इसका 5 एंटेनास, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार और ये पांच। ये पांच मिला के ये राउटर होता है। राउटर के में शायद कुछ इंटरनल एंटेनास भी हो, वो मुझे मालूम नहीं। ये इसका केबल जो कनेक्टिंग केबल होता है, इसको आपको एक तरफ लैंड में और दूसरी तरफ कंप्यूटर में कनेक्ट करना है। अगर केबल मॉडेम हो तो जरिया कुछ डिफरेंट होगा। ये इसका पावर अडैप्टर है। पावर अडैप्टर जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे टीवी लिंक का पावर अडैप्टर है और इसका वोल्टेज है कुछ 50, ये 0.3 वाट का, 0.3 एम्पियर का इनपुट है और आउटपुट है 12 वोल्ट 1 एम्पियर, मतलब 12 वाट होता है। तो मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा ये मॉडेम जो है 12 वाट पावर कंज्यूम करने वाला है, ठीक है, एफ पी की यूजेज। तो अभी हम इसको खोलेंगे। खोल दिए और एक बार ये भी करीब से देख लेते हैं इसमें जो सारे साइंस है, और उसके बाद हम बाद में ये भी देखेंगे कि ये दूसरे एपिसोड में होगा शायद कि इसका इंटरफेस कैसा है, कॉन्फ़िगर कैसे कैसे किया जाता है वगैरह वगैरह। हाँ तो दोस्तों ये है सीरियल नंबर, ठीक है, ये SSID पासवर्ड जो होता है, तो ये डिफ़ॉल्ट एक्सेस का ये डिटेल है। ये हम सिक्योरिटी के लिए आपको नहीं दिखा रहे हैं, जो भी हम चेंज करने ही वाले हैं फिर भी, तो यही है जो है। दोस्तों ये अनबॉक्सिंग का वीडियो जो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे भी इसका सेकंड पार्ट और दूसरे सारे आकर्षक वीडियो देखने के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे। वो और एक चीज़ जाते जाते और एक बात बता रहे हैं कि ये जो राउटर है इसमें 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में आपका AC जो कनेक्शन होता है, AC वाईफाई का जो नया वाला प्रोटोकॉल 802.11 AC वो नहीं आएगा, वो आएगा आपका 5 गीगाहर्ट्ज़ बैंडविड्थ में ही। अगर आप दूसरे वीडियो मेरा देखेंगे अगले एपिसोड में, तो उसमें हम दिखाएंगे कि कैसे आप AC सिलेक्ट कर सकते हैं और क्या क्या सेफ्टी और सिक्योरिटी मेजरमेंट्स इसमें डाल सकते हैं ताकि आपका राउटर का जो होम का कनेक्शन होता है वाईफाई नेटवर्क वो ये स्ट्रॉन्ग हो और डिजिट हो। और एक बात, गेस्ट के लिए इसमें और एक फैसिलिटी भी है, गेस्ट अगर हम आपके घर में आते हैं तो गेस्ट के लिए अलग सा एक एक्सेस पॉइंट भी आप बना सकते हो इसमें इंटरनली, वो सुविधा भी है। उसके ज़रिए क्या होता है, आपका इंटरनल जो घर का पर्सनल कनेक्शन है उसका पासवर्ड अभी आपको कभी दूसरे को बताने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, वो एक एडेड एडवांटेज है सिक्योरिटी फीचर के हिसाब के अनुसार। तो ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगले एपिसोड में क्या होता है।